नमस्कार, स्वागत है आपका माई ज्योतिष में। हरा रंग प्रकृति का रंग होता है और सावन का महीना पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ने का महीना होता है। इस महीने में लोग शिव जी को जल अर्पित करके और उनके सामने बेलपत्र धतूर चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान शिव को हरा रंग अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भगवान शिव को प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है, उन्हें अपनी प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है। इसलिए अगर उनके सामने कोई हरे रंग की चीज़ चढ़ाई जाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। माना जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागन औरतें हरे रंग की चूड़ियाँ या फिर हरे रंग का वस्त्र पहनती हैं तो उनके सुहाग की लंबी आयु हो जाती है। भगवान शिव खुद उनको अपना बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और उनके सुहाग को हमेशा के लिए सलामत रख देते हैं। औरतों के हरे रंग की चूड़ियाँ पहनने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर खुशियों से भर जाता है। हरे रंग बुध ग्रह का भी प्रतीक होता है और बुध ग्रह करियर व्यापार में तरक्की लाते हैं। इसकी वजह से भी औरतों को हरी चूड़ियाँ सावन में पहननी चाहिए। इसके लिए महिलाएं सावन में हरी चूड़ियाँ पहने तो उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं और सबके करियर में और व्यापार में सारी चीज़ों में सफलता मिलती हैं। भगवान शिव के अलावा विष्णु भगवान और शनि देव को भी हरा रंग अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उन्हें भी प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है। भगवान शिव ने प्रकृति की रचना की थी, उन्हें तो प्रेम है ही, इसके साथ साथ विष्णु और शनि देव को भी प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है। इसके अलावा हरा रंग हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। हरा रंग हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के बीमारियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हरा रंग पहनने से शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति की आयु लंबी हो जाती है। इसलिए महिलाएं सावन आते ही हरे रंग की वस्त्र और चूड़ियां पहनना शुरू कर देती हैं और पूरे श्रृंगार के साथ भगवान शिव की आराधना करती हैं, ताकि उनके जीवन में उनके पति की आयु लंबी हो जाए।